हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज योर होस्ट मीनाक्षी और आज मैं आपको बताऊंगी क्या है 5G टेक्नोलॉजी और क्या है फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम की कॉन्स्पिरसी थ्योरी 5G टेक्नोलॉजी के लिए चाइना के हुआवे कंपनी कुछ समय से दुनिया के खबरों पर बहुत चर्चे में है और आज हम चाइना के हुआवे कंपनी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्पिरसी टू हैक नेशनल इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी डेटा ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो एक वर्ल्ड कंसर्न बन चुकी है इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करेंगे क्या 5G टेक्नोलॉजी के जरिए हुआवे वाकई में दूसरे देश के नेशनल सिक्योरिटी डेटा एंड इंफॉर्मेशन्स चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शेयर कर रही है क्यों दुनिया के इतने सारे कंट्रीज ने हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी को बैन किया क्या हुआवे कंपनी वाकई में चाइनीज गवर्नमेंट के लिए दूसरे देशों को स्पाई कर रही है कब शुरू हो रहा है इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी क्या है इंडिया का 5G टेक्नोलॉजी का करंट स्टेटस इन सब सवालों को समझने के लिए सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को आज भी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है वेल फाइव जी टेक्नोलॉजी एक फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जो सेल्यूलर नेटवर्क प्रोवाइड करती है बेसिकली फोर जी नेटवर्क की तरह जो करेंटली हमारे इंडियन सेल्यूलर एंड टेलीकॉम कंपनीज हमें प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट सर्विसेज के लिए कॉम्परेटिवली फोर जी नेटवर्क के मुकाबले फाइव जी नेटवर्क की स्पीड बीस गुना ज्यादा होगी 2019 में बहुत सारी कंट्रीज ने हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया अपनी नेटवर्क स्पीड और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पर इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी को आने में कुछ वक्त और लगेंगे और उसके कई सारे रीजंस हैं कोरोना वायरस के नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद One possible reason for postponement of 5G technology in India may be the deteriorating financial condition of the telecom sector in India. A court's recent ruling India telecom companies ko India government many finances Lotana Baki hai. This may be another one possible reason for postponement of 5G technology in India, as it is less likely for these companies. टू पार्टिसिपेट इन द 5G जी स्पेक्ट्रम ऑप्शन इन इंडिया फाइव टेक्नोलॉजी और चाइना की हुआवे कंपनी के साथ अमेरिका का नाम कई सालों से इंटरनेशनल खबरों में जुड़ी है इन खबरों में अमेरिका कनाडा और चाइना के हुआवे कंपनी जो दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी में एक बड़ी कंपनी मानी जाती है किसी और तरफ ही इशारा करती है जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ी है चाइना की हुआवे कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेली कंपनियों में से एक है जो न सिर्फ सेल्युलर नेटवर्क्स प्रोवाइड करती है बल्कि 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पूरी दुनिया में सप्लाई करती है यूएसए समेत कई और देशों के साथ 5G टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी थी दिसंबर 2018 में हुआवे कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वोंग जो को कनाडा के उनके रेसिडेंस पिछले एक साल से वेनेकोवर में हाउस अरेस्ट किया गया ऑन रिक्वेस्ट मेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू कैनेडियन गवर्नमेंट वाईवे कंपनी के सीएफओ मैंग ंगजो को एरेस के अगेंस्ट अमेरिका ने उनके अगेंस्ट कई बैंक फ्रॉड्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्लोज कनेक्शन के चलते नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड डेटा शेयर करने की चार्जेस भी लगाए अकॉर्डिंग टू अमेरिका मिस वॉन्ग जो एक पोटेंशियल थ्रेड है यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेंथ डिसंबर टू थाउजेंड मिस ज़ो के अरेस्ट के बाद चाइना ने भी तुरंत दो कैनेडियन सिटीजेंस जो चाइना में काम कर रहे थे माइकल कॉवरिक जो एक फॉर्मर डिप्लोमेट है एंड माइकल बिजनेसमैन दोनों को अरेस्ट किया और क्रिमिनल चार्ज ऑफ एंडेंजरिंग स्टेट सिक्योरिटी के चार्जेस लगाए दोनों कैनेडियन सिटीजेंस को आस्पियोनेज या पॉलिटिकल स्पाई करार देते हुए उन्हें हॉस्टेज बनाया गया सिंस लास्ट मोर देन सिक्स डेज और उन्हें रिलीज करने के लिए चाइना ने हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस ज़ो को रिलीज़ करने की मांग रखी जनवरी 2019 अमेरिकन गवर्नमेंट को और भी यकीन हुआ कि हुआवे कंपनी इज अ पॉसिबल थ्रेट टू तो द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका अमेरिका का कहना है फाइव जी नेटवर्क हर वो इंफॉर्मेशन ट्रैक और स्टोर कर सकता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी या फिर कोई भी देश का नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हो इस खुलासे के बाद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वाइवे कंपनी के खिलाफ 28 जनवरी 2019 को एक केस भी रजिस्टर किया और चाइना के हुआवे कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे चार्जेस लगाए उनमें से सबसे बड़े चार्जेस है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी डेटा एंड इंफॉर्मेशन चुराने के और अमेरिकन ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की कोशिश करने के लिए और फाइनली अमेरिका ने चाइना के वावे कंपनी के फाइव जी टेक्नोलॉजी को अमेरिका में बैन किया और इसके बाद अपने कंट्री के कई अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दी फाइव जी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने के लिए जैसे वेरिजॉन ए और टी मोबाइल जो सारे के सारे अमेरिकन कंपनीज हैं अमेरिका के इस बैन के बाद दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान ताइवान डच ने हुआवे के 5G टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में बैन किया दुनिया के बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क स्वीडन बेल्जियम अब भी सेकेंड थॉट्स दे रहे हैं वेदर शुड अलाउ हुआज फाइव जी टेक्नोलॉजी इन देयर कंट्री ये तो रही वर्ल्ड 5G टेक्नोलॉजी की खबर जहां चाइना की हुआ वे कंपनी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के क्लोज कनेक्शंस को प्रूव करती है अब आते हैं इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी की खबर पर कब आने वाला है इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी इंडिया का टेलीकॉम जायंट रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए चाइना के हुआवे कंपनी के साथ बहुत पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन तो की थी पर उस कंट्रैक्ट के छह महीने के बाद रिलायंस खुद अपनी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश में है और 2022 तक शायद ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी अब सवाल यह है इंडिया में रिलायंस कम्युनिकेशंस ही एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो चाइना के हुआवे कंपनी को 5G टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रही है मेरे हिसाब से फाइव in 5G टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क लीग एंड सपोर्ट आर ओन मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी दूसरी बात यह भी है अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स एन अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स मे 15 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 5G टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाकई में एक थ्रेट है कितना सेफ होगा फाइव जी टेक्नोलॉजी हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा एज एन इंडियन सिटीजन कंसर्न लाइज इन कंसर्निंग द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कनेक्टेड विद फाइव जी टेक्नोलॉजी शुड इंडिया ट्रूली गो अहेड विद विथ फाइव जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया और इज इट रियली नेसेसरी फॉर इंडिया टू डेवलप फाइव जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया आपके व्यूज एंड ओपिनियंस मेरे लिए बहुत जरूरी है सो डियर फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन एंड आल्सो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच